जनजाति समुदाय के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। मध्य प्रदेश में आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए यहां 17 नवंबर को मतदान कराया जाना है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जुटे रहे। कांग्रेस के भी शीर्ष नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार में जुटे थे। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया। भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पर्व को लेकर पटना में गंगा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हम पार्टी की तरफ से पटना के बेली रोड स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया गया। पटना की सांस्कृतिक संस्था चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से पटना में सांस्कृतिक संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आईसीसी क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।